स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में। सॉल्यूशन चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, तो इसमें हमने तीन वीडियो कर चुके हैं। उसमें पीछे कंसंट्रेशन टर्म और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स एनसीईआरटी के देखे थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें जो एनसीईआरटी में जो नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। तो सॉल्युबिलिटी जो है क्या होता है कि जैसे यहाँ पे देखिए सॉल्युबिलिटी होता क्या है, इस चीज़ को पहले देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे ये कोई सॉल्वेंट है, मान ले रहे हैं ये कोई स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, मतलब जिसका अमाउंट फिक्स है, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, और ये सॉल्वेंट स्पेसिफिक टेम्परेचर पे है, सॉल्वेंट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, मतलब कि फिक्स टेम्परेचर पे है, एट स्पेसिफिक टेम्परेचर पे है। तो यहाँ पे एक सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट जो है एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है जो कि स्पेसिफिक टेम्परेचर पे है। अगर इसमें हम कोई एक सबस्टेंस को डिजॉल्व करें, जैसे किसी सबस्टेंस को, मतलब कि कोई सॉल्यूट को, एक तरह से सबस्टेंस को डिजॉल्व करें और ये सबस्टेंस मैक्सिमम अमाउंट डिजॉल्व हो जाए, ये सबस्टेंस जो है मैक्सिमम अमाउंट डिजॉल्व हो जाए, तो इसी को हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, इसी चीज़ को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है कि कोई स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ अगर सॉल्वेंट है, तो इस स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, सॉरी, कोई स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है और ये स्पेसिफिक टेम्परेचर पे है, तो इसमें अगर हम कोई सबस्टेंस डिजॉल्व करते हैं और ये सबस्टेंस को डिजॉल्व कर रहे हैं और ये सबस्टेंस मैक्सिमम अमाउंट तक डिजॉल्व हो रहा है, मतलब सबस्टेंस अपना मैक्सिमम अमाउंट डिजॉल्व हो जा रहा है इस सॉल्वेंट में, तो इसी को हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, दिस इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी समझ गए होंगे, इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर यह है सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सबस्टेंस, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सबस्टेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिजॉल्व इन ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एज वेल एज टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो आप समझ गए होंगे कि कोई भी सॉल्वेंट है, मतलब कि सॉल्युबिलिटी ऑफ जो सबस्टेंस की जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होती है, इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिजॉल्व इन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। तो यही सॉल्युबिलिटी है कि जैसे कोई भी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, जैसे कि ये स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, तो इस स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में अगर हम कोई सबस्टेंस को डिजॉल्व करते हैं और ये सबस्टेंस मैक्सिमम अमाउंट अपना डिजॉल्व हो रहा है, तो इसी टर्म को हम बोलते हैं, इसी को कहेंगे, जैसे सबस्टेंस के मैक्सिमम अमाउंट डिजॉल्व होने को ही हम बोलते हैं उस सबस्टेंस की सॉल्युबिलिटी। अब देखिए जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिपेंड्स करती है, सॉल्युबिलिटी जो है कुछ फैक्टर पे डिपेंड करती है, जैसे कि सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन जो फर्स्ट फैक्टर है वो नेचर ऑफ सॉल्यूट है, मतलब कि सॉल्यूट का नेचर कैसा है, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर का मतलब कि सॉल्यूट जो है पोलर है या नॉन पोलर है, पोलर और नॉन पोलर। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा, फिर जो है नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर भी डिपेंड करेगा जिसमें हम डिजॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के नेचर पे भी डिपेंड करता है,
मतलब सॉल्वेंट पोलर है या नॉन पोलर है। और थर्ड जो है सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, टेम्परेचर एंड प्रेशर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर एंड प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे लिखा भी था, देखिए ये लिखा हुआ है कि इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट एज वेल एज टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो सॉल्युबिलिटी टर्म आप समझ गए होंगे क्या होता है, कि कोई भी सब्सटेंस का मैक्सिमम अमाउंट किसी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो रहा है एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, तो उसको सॉल्युबिलिटी कहेंगे। सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट एंड डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड प्रेशर पे डिपेंड करता है। इसके बाद हमको देखना है सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड, मतलब एक सॉलिड की लिक्विड में क्या सॉल्युबिलिटी होती है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा है कि एवरी सॉलिड डज नॉट डिजॉल्व इन ए गिवन लिक्विड, मतलब कि हर सॉलिड जो है हर लिक्विड में डिजॉल्व नहीं होगा, या कोई गिवन लिक्विड में हर सॉलिड एक ही लिक्विड में ईच सॉलिड डिजॉल्व नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि जैसे व्हाइल सोडियम क्लोराइड एंड शुगर डिजॉल्व रेडली इन वाटर, जैसे NaCl और शुगर जो है वाटर में बहुत तेज़ी से डिजॉल्व हो जाते हैं, लेकिन नेप्थलीन एंड एंथ्रासीन डू नॉट। नेप्थलीन और एंथ्रासीन को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये डिजॉल्व नहीं होते हैं, जबकि ऑन द अदर हैंड नेप्थलीन एंड एंथ्रासीन डिजॉल्व रेडली इन बेंजीन। नेप्थलीन और एंथ्रासीन बेंजीन में बहुत तेज़ी से डिजॉल्व हो जाते हैं, बट सोडियम क्लोराइड एंड शुगर डू नॉट। सोडियम क्लोराइड और शुगर नहीं होते हैं बेंजीन में डिजॉल्व। तो इसका मतलब ये है कि इट इज ऑब्जर्व दैट पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, मतलब कोई पोलर सॉल्यूट है तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है, एंड नॉन पोलर सॉल्यूट इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, और कोई नॉन पोलर सॉल्यूट है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। तो इसको हम बोल सकते हैं इन जनरल ए सॉल्यूट डिजॉल्व इन ए सॉल्वेंट इफ़ द इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन आर सिमिलर। इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन सिमिलर होने का मतलब कि उन सॉल्यूट जैसे पोलर सॉल्यूट है तो उसमें जो फोर्स लगेगा और जो दूसरा जो पोलर सॉल्वेंट है उसका फोर्स लगेगा वो दोनों सिमिलर होगा, तभी वो एक्चुअली डिजॉल्व होंगे। इन द टू आर वी मे से लाइक डिजॉल्व लाइक मतलब वही है कि पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। जैसे इसको हम यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं शॉर्ट में, जैसे देखिए एवरी सॉलिड डज नॉट डिजॉल्व इन एवरी लिक्विड, जैसे कि अभी हम लोग उसमें देखे थे कि NaCl और शुगर डिजॉल्व इन वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, जबकि एंथ्रासीन और नेप्थलीन जो है वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, रिडली डिजॉल्व नहीं होते। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो एंथ्रासीन होता है वो नॉन पोलर होता है, और वाटर क्या होता है? पोलर मॉलिक्यूल होता है। पोलर एंड नॉन पोलर आप क्लास 11th में पढ़े होंगे केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में। पोलर में क्या होंगे कि जैसे कि पोलर नॉन पोलर थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए H2 है, तो H2 देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या Cl2 है तो Cl, मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं आएगा, जबकि HCl अगर हम लिखें तो H+ और Cl-, तो ये पोलर हो गया और ये नॉन पोलर है। तो पोलर नॉन पोलर का मतलब यही है कि जैसे नॉन पोलर एक तरह से उसमें कोई चार्ज नहीं आएगा, कोई पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, जबकि पोलर में दोनों एटम के ऊपर पार्शियल
पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे यही दिया है कि जो NaCl है, देखिए NaCl और शुगर ये वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगे, डिजॉल्व ब्रिटली इन वाटर, जबकि एंथ्रासीन और नेप्थिलीन वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं, डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। इसी तरह से एंथ्रासीन और नेप्थिलीन जो है रेडली डिजॉल्व इन बेंजीन, बेंजीन में बहुत तेज़ी से डिजॉल्व हो जाएंगे, जबकि NaCl और शुगर बेंजीन में डिजॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि बेंजीन नॉन पोलर है। बेंजीन क्या होता है? नॉन पोलर, और ये NaCl जो है पोलर होता है। तो इस तरह से ये पोलर है और ये नॉन पोलर है, तो यहाँ पे पोलर नॉन पोलर में डिजॉल्व नहीं होगा, जबकि नेप्थिलीन एंथ्रासीन ये नॉन पोलर हैं और बेंजीन भी क्या है? नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर में इजीली डिजॉल्व हो जाएगा। तो इसका मतलब यही है कि लाइक डिजॉल्व लाइक मतलब पोलर डिजॉल्व इन पोलर, मीन्स पोलर डिजॉल्व इन पोलर, नॉन पोलर डिजॉल्व इन नॉन पोलर। अब इसमें हमको देखना है कि सॉलिड का हम जब लिक्विड में डिजॉल्व करेंगे तो दो कौन सी फिनोमेना होगी। तो जब भी हम सॉलिड को किसी लिक्विड में डिजॉल्व करेंगे तो दो तरह की फिनोमेना होगी, एक होगा डिजोल्यूशन और एक होगा क्रिस्टलाइजेशन। और डिजोल्यूशन क्रिस्टलाइजेशन जो है कुछ समय बाद इक्विलिब्रियम कंडीशन में पहुंच जाएंगे, और फिर जो है जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है उसका कंसंट्रेशन जो है सॉल्यूशन में कांस्टेंट रहेगा। तो इसी चीज़ को इसमें समझना है। तो देखिए इसको हम यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन ए सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड टू सॉल्वेंट, मतलब किसी सॉलिड सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हैं तो हो क्या रहा है कि सम सॉल्यूट डिजॉल्व, कुछ सॉल्यूट डिजॉल्व हो रहे हैं एंड इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीज इन सॉल्यूशन, और सॉल्यूट का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में इंक्रीज हो रहा है। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिजोल्यूशन, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिजोल्यूशन। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं इसको, जैसे देखिए यहाँ पे मान ले रहे हैं कि ये एक इस तरह का ऐसे इसमें जो है ये एक सॉल्वेंट है, ये एक इस तरह से कोई सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट में हम यहाँ पे इसमें एक ले रहे हैं एक सॉलिड, एक इस तरह से सॉलिड ले रहे हैं, तो ये सॉलिड है इसमें, ये जो है सॉलिड है जिसको हम बोल रहे हैं सॉल्यूट, सॉलिड को ही क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। तो होगा क्या कि जब हम इसको डिजॉल्व करेंगे, इस सॉल्वेंट में रखेंगे, तो सॉलिड के जो पार्टिकल हैं वो सॉल्यूशन में आएंगे, सॉलिड के पार्टिकल जो है ऐसे सॉल्यूशन में आएंगे इस तरह से, इसमें से सेपरेट हो करके ऐसे सॉल्यूशन में आएंगे, इस तरह से सॉल्यूशन में आएंगे इस तरह से। तो सॉलिड इस जो सॉलिड पार्टिकल हैं, ये जो पार्टिकल हैं ये कौन से पार्टिकल हैं? सॉलिड, सॉलिड के पार्टिकल हैं जिसको हम सॉल्यूट बोल रहे हैं। तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये सॉलिड के, ये आ रहे हैं सॉल्यूशन में, सॉलिड से निकल करके किस में आ रहे हैं? सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन का मतलब है सॉल्वेंट में आ रहे हैं, सॉलिड से निकल करके सॉल्वेंट में आ रहे हैं। तो जब सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट में आएगा तो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो वही बोल रहे हैं कि जब सॉलिड के पार्टिकल इसमें सॉलिड में से निकल करके किस में आ रहे हैं? सॉल्वेंट में। तो जो सॉल्यूशन बन रहा है, इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल जो है किस में आ गए? सॉल्यूशन में। तो हम ये बोल सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इंक्रीज इन द सॉल्यूशन।
तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिजोल्यूशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिजोल्यूशन। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिजोल्यूशन। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे कि कोई भी सॉलिड पार्टिकल है, जैसे कि हम फिर से यहाँ पे चाहे तो बना सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए जैसे देखिए यहाँ पे ऐसे है और इसमें इस तरह से इसमें जो है सॉल्वेंट है। अब इस सॉल्वेंट में हम क्या कर रहे हैं? सॉलिड को ऐड करना है। तो जैसे हम मान लीजिए यहाँ पे एक सॉलिड को सॉलिड रख दिए, जैसे ये सॉलिड है, तो ये सॉलिड को हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। इस सॉलिड को क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। और ये हो गया सॉल्वेंट। तो जैसे ही हम सॉलिड को इस सॉल्वेंट में रखेंगे, सॉलिड से जो पार्टिकल होंगे वो निकल के किस में आएंगे? सॉल्यूशन में आएंगे। इस तरह से इसमें से बाहर निकल करके सॉल्यूशन में आएंगे, ऐसे सॉल्यूशन में आएंगे। ये कौन से पार्टिकल हैं? सॉल्यूट पार्टिकल। तो इससे क्या होगा कि सॉल्यूट पार्टिकल का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में इंक्रीज होगा। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज डिजोल्यूशन। इसी प्रोसेस को हम डिजोल्यूशन बोलते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिजोल्यूशन। तो यही डिजोल्यूशन है, इसको समझ गए होंगे। तो यहाँ पे है कि वेन ए सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड टू सॉल्वेंट, सम सॉल्यूट डिजॉल्व एंड इट कंसंट्रेशन इंक्रीज इन सॉल्यूशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिजोल्यूशन। अब देखिए जो इसका उल्टा प्रोसेस होगा वो क्रिस्टलाइजेशन होगा। तो इसका उल्टा प्रोसेस क्या है कि देखिए सम सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन, जो सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन में है, कोलाइड विद सॉलिड सॉल्यूट। ये कोलाइड करते हैं सॉलिड के पार्टिकल से, सॉलिड सॉल्यूट से, एंड गेट सेपरेटेड आउट ऑफ द सॉल्यूशन। और वो पार्टिकल जो है सॉल्यूशन से निकल करके फिर से सॉलिड में चले जाते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? क्रिस्टलाइजेशन। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे इस प्रोसेस में ये जो पार्टिकल थे, जैसे मान लीजिए हम फिर से यहाँ फिगर बना रहे हैं, जैसे कि इस तरह से था, ऐसे था जो है, तो यहाँ पे इस तरह से ये सॉल्वेंट था और इसमें जो है इस तरह से ये सॉलिड था, ये सॉलिड के पार्टिकल थे। तो ये सॉलिड के पार्टिकल जो है क्या होगा, ऐसे इसमें सॉल्यूशन में आएंगे इस तरह से। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते थे? डिजोल्यूशन। अब इसमें क्या होगा कि ये जो पार्टिकल हैं ये टकराएंगे सॉलिड के सॉल्यूट से और सॉलिड में जा करके मिल जाएंगे। ये पार्टिकल जो है फिर से इसमें जा करके मिलेंगे इस तरह से, ये सॉलिड के सॉल्यूट से टकराएंगे और उसमें जा करके मिल जाएंगे। तो यहाँ पे फिर अब कंसंट्रेशन जो है इसका जो है क्या होगा, सॉल्यूट का सॉल्वेंट में सॉल्यूशन में कम होगा। तो ये जो है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल हैं, ये सॉलिड पार्टिकल से जाकर के कोलाइड करते हैं और कोलाइड करके उससे चिपक जाते हैं। तो ये सॉल्यूशन से सेपरेट आउट हो गए, मतलब कि सॉल्यूशन में से फिर चले गए किस में? सॉल्यूशन से चले गए सॉलिड में।
तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो कोई भी सॉलिड जो है जब सॉल्यूशन में आता है, कोई भी सॉलिड को हम जब सॉल्वेंट में रखते हैं, तो ये दोनों प्रोसेस जो है लगातार होते रहते हैं। मतलब कि जो सॉलिड है, जो सॉलिड होता है वो लिक्विड में, सॉलिड जो है सॉल्वेंट में, या बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन में आएगा। सॉलिड मतलब सॉल्यूट पार्टिकल, तो सॉल्यूशन में आएगा तो इसको बोलते हैं डिजोल्यूशन, इसको बोलते हैं डिजोल्यूशन। और फिर सॉल्यूशन से किस में जाएगा, सॉलिड में, तो इसको बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन। तो ये फिनामिना जो है लगातार होती रहेगी, मतलब डिजोल्यूशन भी होता रहेगा और क्रिस्टलाइजेशन भी होता रहेगा। तो इस तरह से इक्विलिब्रियम की स्टेज इसमें आ जाती है, क्रिस्टलाइजेशन। तो इस तरह से इक्विलिब्रियम की स्टेज आ जाएगी। तो इक्विलिब्रियम स्टेज पे होगा क्या कि ये जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जितने सॉल्यूट पार्टिकल डिजोल्यूशन से आ रहे हैं सॉल्यूशन में, उतने ही सॉलिड पार्टिकल उसमें जा रहे हैं, फिर से सॉलिड में जा रहे हैं, सॉल्यूशन से सेपरेट आउट हो रहे हैं। तो जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूट का सॉल्यूशन के अंदर, वो कांस्टेंट रहेगा। तो इसी चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है, तो इसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है कि दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। तो ए स्टेज इज रीच्ड व्हेन टू प्रोसेस अकर एट द सेम रेट। एक ऐसी स्टेज आती है जिसमें दोनों प्रोसेस सेम रेट से होते हैं। तो अंडर सच कंडीशन, इस कंडीशन में नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल गोइंग इनटू सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू द सॉल्यूट पार्टिकल सेपरेटिंग आउट एंड ए स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से सॉल्यूशन बनना है, तो जितने पार्टिकल सॉल्यूट के सॉल्यूशन में जा रहे हैं, उतने ही सॉल्यूशन से फिर सॉलिड में आ रहे हैं। तो इस तरह से ये एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाती है। तो इस स्टेज में, एट दिस स्टेज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन विल रिमेन कांस्टेंट अंडर गिवन कंडीशन, दैट इज टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इस कंडीशन में जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट रहेगा गिवन कंडीशन टेम्परेचर एंड प्रेशर में। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे, डिजोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन। इसमें यही है कि जैसे कि ये सॉल्वेंट हो गया और इस सॉल्वेंट के अंदर जो है, मान लीजिए एक सॉलिड रखा गया ऐसे, तो सॉलिड के पार्टिकल क्या होंगे, इसमें आएंगे। सॉलिड के पार्टिकल जो है सॉल्वेंट में आएंगे इस तरह से, तो ये सॉल्यूशन बन गया। तो ये इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को डिजोल्यूशन, डिजोल्यूशन। तो ये सॉल्वेंट ऐसे सॉलिड के पार्टिकल इस पूरे सॉल्वेंट में फैल जाएंगे इस तरह से निकल करके। इसमें से क्या होगा कि जैसे मान लीजिए पहले तो इस सॉलिड के जितने सॉल्यूट हैं सब सॉल्यूशन में आएंगे। तो इसमें से क्या होगा कि जैसे एक कुछ जो है कुछ समय बाद क्या होगा कि कुछ सॉल्यूट पार्टिकल फिर से इस कोलाइड करके उसमें जाएंगे, फिर से कोलाइड करके सॉलिड में जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। लेकिन कुछ पार्टिकल जो है हमेशा सॉल्यूशन में बने रहेंगे कांस्टेंट नंबर में। जैसे मान लीजिए अगर सॉलिड से 100 पार्टिकल सॉल्वेंट में आ गए, सॉलिड से 100 पार्टिकल सॉल्वेंट में आ गए, तो जो सॉल्यूशन बना उसमें 100 पार्टिकल्स हैं सॉलिड के। अगर मान लीजिए 50 पार्टिकल कोलाइड करके, 50 पार्टिकल कोलाइड करके फिर सॉलिड में चले गए, फिर
सॉल्यूट से 50 पार्टिकल फिर आ रहे हैं सॉल्यूशन में, फिर 50 जा रहे हैं आ रहे हैं, तो इस तरह से जितने आ रहे हैं उतने ही जा रहे हैं। लेकिन जैसे शुरू में 100 आए थे तो उसमें से 50 गए, तो 50 जो पार्टिकल सॉल्यूशन में है वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, मतलब कि इसी को बोलते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। जैसे कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए, जैसे अब मान लीजिए कि जो ये सॉलिड है, तो इस सॉलिड के 100 पार्टिकल शुरू में आए। अब इसमें से जैसे कि 100 पार्टिकल आए, 50 पार्टिकल जो है फिर से सॉलिड में चले गए, फिर से किस में चले गए, सॉलिड में, फिर सॉलिड से 50 पार्टिकल फिर बाहर आए, फिर 50 पार्टिकल यहाँ से फिर गए, मतलब कि जो आ रहा है वही जा रहा है। और टोटल सॉल्यूशन में कितने आए थे, कितने पार्टिकल आए थे, 100 आए थे, तो जो 50 बच रहा है, जैसे 100 आया था तो उसमें से 50 तो चला गया, तो 50 जा रहा है, 50 आ रहा है, लेकिन ये जो 50 पार्टिकल सॉल्यूशन में हैं ये क्या हैं, फिक्स हैं, कांस्टेंट नंबर में है। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। अब इसमें हमको देखना है एक टर्म सेचुरेटेड सॉल्यूशन, एक टर्म देखना है सेचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन जो है सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड, दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक सेचुरेटेड एंड एक होता है अनसेचुरेटेड। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में जो लिखा गया है कि सच ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड सेचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब बोला है कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और अधिक हम सॉल्यूट को डिजॉल्व नहीं कर सकते, उस तरह के सॉल्यूशन को हम कहते हैं उस तरह के सॉल्यूशन को कहेंगे सेचुरेटेड सॉल्यूशन। और बोला है कि एन अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट द सेम टेम्परेचर। मतलब कि अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन में हम जितना सॉल्यूट चाहे उतना जो है उसको हम डिजॉल्व कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हम एक एग्जांपल से समझते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए सेचुरेटेड सॉल्यूशन का क्या एक्चुअली मतलब है। तो सेचुरेटेड सॉल्यूशन, तो इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक हम ऐसे ग्लास ले रहे हैं और यहाँ पर एक ऐसे कप ले रहे हैं। इस कप में हम यहाँ पे रख दे रहे हैं शुगर, जैसे इसमें कुछ शुगर के सॉल्यूशन हैं, शुगर के पार्टिकल हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम शुगर रख दे रहे हैं ऐसे, ये जो है शुगर है यहाँ पे, और इसमें हम वाटर, इसमें जो है इस ग्लास में क्या रख देंगे, वाटर। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो शुगर है उसको स्पून से वाटर में ऐड करेंगे। तो वाटर में ऐड करेंगे तो जैसे कि शुरू इनिशियल टाइम में क्या होगा कि जितने शुगर के पार्टिकल होंगे वो सभी इस वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगे। फिर दोबारा हम क्या करेंगे, दोबारा से फिर शुगर को इसमें हम फिर से ऐड करेंगे। तो दोबारा से ऐड करेंगे तो फिर से क्या होगा कि ये शुगर के पार्टिकल वाटर में पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाएंगे। इस तरह से हम डिजॉल्व करते जाएंगे, लेकिन एक स्टेज ऐसा आएगा कि जिसके बाद अगर हम शुगर को इस वाटर में डालेंगे तो फिर शुगर के जो पार्टिकल हैं वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होंगे, यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे। जैसे शुगर के पार्टिकल जो है ये इकट्ठा हो गए, तो इस कंडीशन, इसका मतलब ये हुआ कि जो वाटर था वो मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट को डिजॉल्व कर लिया, मतलब कि जो वाटर की डिजॉल्विंग पावर थी वो मैक्सिमम हो गई। जैसे कि शुगर, मैक्सिमम शुगर पार्टिकल या मैक्सिमम सॉल्यूट पार्टिकल वाटर में डिजॉल्व हो गए, उसके बाद और हम शुगर इसमें ऐड कर रहे हैं तो
डिजॉल्व नहीं हो रहा है। तो यही ये जो सोलूशन बनेगा, इसी सोलूशन को हम कहेंगे, यहाँ पे जो सोलूशन बना है यही इसी सोलूशन को हम कहेंगे यहाँ पे, सॉरी तो यहाँ पे जो शुगर सोलूशन बना है इसी को हम बोलेंगे सेचुरेटेड सोलूशन, इसी को बोलेंगे सेचुरेटेड सोलूशन। ये हो गया सेचुरेटेड सोलूशन। तो सेचुरेटेड सोलूशन में क्या होगा कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेल्यूट डिजॉल्व हो जाएगा उसमें, उसके बाद नो मोर सेल्यूट कैन डिजॉल्व इन दिस सोलूशन। तो वही एनसीईआरटी में यहाँ पे लिखा है, यही चीज़ ये लिखा है कि नो मोर सेल्यूट सच ए सोलूशन इन विच नो मोर सेल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड सेचुरेटेड सोलूशन। मतलब एक ऐसा सोलूशन है जिसमें और ज़्यादा सेल्यूट हम ऐड करेंगे तो वो डिजॉल्व नहीं होगा, यही क्या होता है सेचुरेटेड सोलूशन। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं डिफिनीशन जो है, जैसे कि दूसरे तरीके से भी ये जो सेचुरेटेड सोलूशन है तो इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ए सोलूशन कंटेनिंग द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सेल्यूट डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट एंड द एडिशनल सेल्यूट विल नॉट डिजॉल्व इन ए सेचुरेटेड सोलूशन। मतलब यह है कि ए सोलूशन कंटेनिंग द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सेल्यूट डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट, मतलब किसी सॉल्वेंट में मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सेल्यूट डिजॉल्व हो गया है एंड द एडिशनल सोलूट मतलब कि नो मोर सेल्यूट विल नॉट डिजॉल्व इन द सोलूशन, दिस सोलूशन इज कॉल्ड सेचुरेटेड सोलूशन। तो सेचुरेटेड सोलूशन आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए जैसे ये एग्जांपल जो है सेचुरेटेड सोलूशन का है, सोडा जिसको कोल्ड ड्रिंक बोलते हैं, सोडा इज ए सेचुरेटेड सोलूशन ऑफ CO2 इन वाटर। सोडा में क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको वाटर में प्रेस करके, प्रेशर लगा करके उसको फिल किया गया होता है, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CO2 वाटर में डिजॉल्व होती है उसमें, तो इसलिए वो सेचुरेटेड सोलूशन होगा। तो इसके बाद जो है अनसेचुरेटेड सोलूशन क्या होते हैं, तो अनसेचुरेटेड सोलूशन जो होता है तो ये एक ऐसा सोलूशन है, ए सोलूशन इन विच ऑल द सेल्यूट डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट, एक ऐसा सोलूशन जिसमें जितने सेल्यूट हैं सब डिजॉल्व हो जाएंगे सॉल्वेंट में, तो उसको हम कहेंगे अनसेचुरेटेड सोलूशन। जैसे एग्जांपल में देखिए, जैसे कि एडिंग ए स्पूनफुल ऑफ शुगर टू ए कप ऑफ हॉट कॉफ़ी प्रोड्यूस एन अनसेचुरेटेड शुगर सोलूशन। जैसे एक कप शुगर जो है, एक स्पून शुगर को आप एक हॉट वाटर हॉट कॉफ़ी में ऐड करेंगे तो वो एक स्पून शुगर जो है इजीली पूरे कॉफ़ी के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा, तो वो सोलूशन को हम बोलेंगे सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड सोलूशन। जैसे ये है, ऐसे है यहाँ पे हॉट कॉफ़ी है, मान लीजिए हॉट कॉफ़ी, और इस हॉट कॉफ़ी में अगर हम एक स्पून जो है यहाँ से एक स्पून अगर इसमें हम शुगर ऐड करेंगे तो ये शुगर जो है क्या होगा, पूरी तरह से इसमें डिजॉल्व हो जाएगा, तो ये जो सोलूशन बनेगा ये सोलूशन क्या होगा, अनसेचुरेटेड सोलूशन इसको हम बोलेंगे। तो आप समझ गए होंगे, सेचुरेटेड का मतलब ये होता है कि
मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उसमें डिजॉल्व हो गया है और ज़्यादा सॉल्यूट उस सॉल्यूशन में डिजॉल्व नहीं हो सकता, तो वो सैचुरेटेड हो गया। और अनसैचुरेटेड में क्या है कि आप सॉल्यूट को हम उस सॉल्वेंट में पूरी तरह से डिजॉल्व कर देंगे तो वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यही था सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। इसको एनसीईआरटी में एक बार और इसमें देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें दिया गया है। जैसे कि देखिए यहाँ पे अनसैचुरेटेड हो गया और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन एट द सेम टेम्परेचर। फिर जो है देखिए यहाँ पे द सॉल्यूशन विच इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम विद अनडिजॉल्व सॉल्यूट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब ये बोल रहा है कि जो अनडिजॉल्व सॉल्यूट्स होते हैं, जैसे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम अगर यहाँ पे बनाएं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे जो है अनडिजॉल्व, जैसे कि नो मोर सॉल्यूट डिजॉल्व होता है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा कि कुछ पार्ट जो है अनडिजॉल्व रहेगा, मतलब जो सॉल्यूट हैं वो डिजॉल्व ही नहीं होंगे क्योंकि वो सैचुरेट हो गया है सॉल्यूशन। तो जो अनडिजॉल्व जो सॉल्यूट हैं इसमें, उसके साथ सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है इक्विलिब्रियम बनाता है। मतलब कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन अनडिजॉल्व सॉल्यूट के साथ इक्विलिब्रियम में रहता है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं कि द सॉल्यूशन विच इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद अनडिजॉल्व सॉल्यूट। मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जो अनडिजॉल्व सॉल्यूट के साथ, मतलब उस सॉल्यूशन के अंदर जो अनडिजॉल्व सॉल्यूट है उसके साथ इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो उस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे, इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये एक और भी डिफिनीशन हो गई कि द सॉल्यूशन विच इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद अनडिजॉल्व सॉल्यूट। जो अनडिजॉल्व सॉल्यूट है, जैसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो उसमें अनडिजॉल्व सॉल्यूट होगा ही होगा, तो जो सॉल्यूशन है वो अनडिजॉल्व सॉल्यूट के साथ में इक्विलिब्रियम बनाता है। जैसे कि ये सॉल्यूशन है तो इस सॉल्यूशन में यहाँ पे अनडिजॉल्व, जैसे कि ये सॉल्यूशन है तो इस सॉल्यूशन में ये अनडिजॉल्व, मतलब कि डिजॉल्व भी नहीं है, ये अनडिजॉल्व सॉल्यूट है। तो ये अनडिजॉल्व सॉल्यूट जो है इस सॉल्यूशन के साथ इक्विलिब्रियम बनाता है। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इस तरह के सॉल्यूशन को कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड कंटेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। और सैचुरेटेड जब सॉल्यूशन होगा तो उस समय जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वही प्रेजेंट होगा उस सॉल्यूशन के अंदर, या उस सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होगा वो मैक्सिमम होगा, ये भी हम बोल सकते हैं। तो दस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, मतलब कि उस समय जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है इज इन सच सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन है इज इट्स सॉल्युबिलिटी, उसी को हम क्या कहेंगे, उसकी सॉल्युबिलिटी कहेंगे। मतलब कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो सॉल्यूट डिजॉल्व है उस सॉल्यूशन के अंदर, तो उस सॉल्यूशन की वही सॉल्युबिलिटी है। वही यहाँ पे बोला है कि द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सच ए सॉल्यूशन इज इट्स सॉल्युबिलिटी। इसके बाद इसमें यहाँ पे देखना है कि अर्लियर वी हैव ऑब्जर्व दैट सॉल्युबिलिटी हम अभी ऊपर पढ़े थे, तो यहाँ पे देखना है कि अर्लियर वी हैव ऑब्जर्व दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अनदर
मतलब एक सबस्टेंस की सॉल्युबिलिटी दूसरे में डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सबस्टेंस, सबस्टेंस के नेचर पे डिपेंड करती है कि वो पोलर है या नॉन पोलर है। इन एडिशन टू दीज वेरिएबल्स टू अदर पैरामीटर दैट इज टेम्परेचर एंड प्रेशर आर टेम्परेचर एंड प्रेशर आल्सो कंट्रोल द दिस फिनोमेना। तो ये सब जैसे नेचर ऑफ सबस्टेंस, सॉल्युबिलिटी जो है नेचर ऑफ सबस्टेंस पे डिपेंड करती है, इसके अलावा जो सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर और प्रेशर पर भी डिपेंड करती है। तो टेम्परेचर और प्रेशर भी सॉल्युबिलिटी को कंट्रोल करते हैं। तो अब हमको देखना है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर यहाँ पे देखना है कि टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है, ये चीज़ हमको देखना है। तो सॉल्युबिलिटी, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड, मतलब कि किसी सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाई टेम्परेचर चेंज। अगर उस लिक्विड का हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो जो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी है लिक्विड में वो अफेक्ट होती है, चेंज होती है। इन जनरल इफ़ इन ए नियरली सेचुरेटेड सोलूशन, अगर कोई मान लीजिए सेचुरेटेड सोलूशन है तो द डिजोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। डिजोल्यूशन प्रोसेस अभी हम ऊपर पढ़े थे, डिजोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पे जो डिजोल्यूशन प्रोसेस है अगर इंडोथर्मिक है, तो इंडोथर्मिक में क्या होता है कि डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है। जैसे यहाँ पे लिखा है डेल्टा एस ओ एल, एस ओ एल का मतलब सॉल्युबिलिटी एच। तो यह है हीट एंथैल्पी ग्रेटर देन, डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पे जीरो से ज़्यादा होगी। डेल्टा एच की वैल्यू जो है डिजोल्यूशन प्रोसेस है इंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए, इंडोथर्मिक प्रोसेस में डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, बहुत डेल्टा एच की वैल्यू जो है जीरो से ज़्यादा होगी। मतलब कि जो डेल्टा सॉल्युबिलिटी एच है इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो जो इंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, पॉजिटिव होने का मतलब होता है कि हीट जो है एब्जॉर्ब हो रही है, हीट क्या हो रही है एब्जॉर्ब हो रही है, सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। और अगर एक्सोथर्मिक है रिएक्शन, जो सिस्टम है वो एक्सोथर्मिक है, तो एक्सोथर्मिक में क्या होगा कि डेल्टा सॉल्युबिलिटी एच लेस देन जीरो होगा, मतलब कि डेल्टा एस ओ एल एच इक्वल टू निगेटिव। और इसमें क्या होती है हीट जो है इवॉल्व होती है, हीट जो है इवॉल्व मतलब कि सिस्टम हीट को रिलीज करता है, बाहर करता है। वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि इफ़ इन ए नियरली सेचुरेटेड सोलूशन, मतलब कि एक नियरली सेचुरेटेड सोलूशन है तो डिजोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। और डिजोल्यूशन प्रोसेस कैसा है, इंडोथर्मिक है। इंडोथर्मिक का मतलब कि डेल्टा एच की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, मतलब कि पॉजिटिव होगी। एस ओ एल लिखा है डेल्टा एस ओ एल एच, मतलब कि एंथैल्पी ऑफ, एस ओ एल का मतलब होता है सेचुरेटेड सोलूशन, एंथैल्पी ऑफ सेचुरेटेड सोलूशन ग्रेटर देन जीरो, सॉल्युबिलिटी नहीं सोलूशन होगा, एस ओ एल का मतलब सोलूशन। तो इस केस में क्या होगा कि द सॉल्युबिलिटी शुड इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर, मतलब कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। एंड इफ़ इट इज एक्सोथर्मिक, अगर डिजोल्यूशन प्रोसेस मान लीजिए एक्सोथर्मिक है, इसमें डेल्टा एच की वैल्यू लेस देन जीरो होगी, मतलब निगेटिव होगी, तो द सॉल्युबिलिटी शुड डिक्रीज। इस केस में सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। और ये जो है दीज ट्रेंड आर आल्सो ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली, ये ट्रेंड जो है एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है। इसके बाद हमको देखना है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा। तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है सॉल्युबिलिटी के ऊपर, क्योंकि जो सॉलिड और लिक्विड होते हैं वो हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं।
तो वही लिखा है यहाँ पे कि प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। मतलब कि सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। ऐसा क्यों है कि इट इज़ सो बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। ये सॉलिड लिक्विड जो है बहुत ही हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इसलिए प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ता है सॉल्युबिलिटी के ऊपर इन केस ऑफ सॉलिड डिजॉल्विंग लिक्विड। एंड प्रैक्टिकली रिमेन अनअफेक्टेड बाई चेंज इन प्रेशर। अगर प्रेशर को हम चेंज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी जो है चेंज नहीं होती है, अनअफेक्टेड रहती है। तो इस तरह से हम इस वीडियो में देखे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, जिसमें कि फर्स्ट स्टेप में हम लोग देखे थे कि लाइक पोलर सॉल्वेंट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्यूट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। मतलब कि लाइक डिजॉल्व लाइक। इसके बाद हम लोग देखे थे डिजोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन, और यही सिमिलर प्रोसेस जो है गैस का लिक्विड में, जब डिजॉल्वमेंट कोई गैस लिक्विड में डिजॉल्व होती है तो होता है। और उसके बाद हम लोग ये देखे थे कि इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है कुछ समय के बाद डिजोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन के बीच में। फिर इसके बाद हम लोग देखे थे इसमें सेचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। और इसके बाद हम लोग इसका इफ़ेक्ट देख रहे हैं कि जो सॉल्युबिलिटी के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होगा, प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट होगा। तो इस तरह से हम इस वीडियो में देखे हैं। तो इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम डिस्कस करेंगे। इसके आगे वाला पार्ट जो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हेनरी लॉ है और बहुत ही वेरी इम्पॉर्टेंट है, जिससे काफ़ी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पढ़ेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, और प्रेस बेल को आप प्रेस कर सकते हैं, प्रेस बेल को प्रेस कर लीजिए, और लाइक्स कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और कमेंट्स कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स जो है कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहें। तो अब हमको देखना है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर यहाँ पे देखना है कि टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है, ये चीज़ हमको देखना है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड, मतलब कि किसी सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाई टेम्परेचर चेंज। अगर उस लिक्विड का हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो जो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी है लिक्विड में वो अफेक्ट होती है, चेंज होती है। इन जनरल इफ़ इन ए नियरली सेचुरेटेड सॉल्यूशन, अगर कोई मान लीजिए सेचुरेटेड सॉल्यूशन है तो द डिजोल्यूशन प्रोसेस इज इंडोथर्मिक। डिजोल्यूशन प्रोसेस अभी हम ऊपर पढ़े थे, डिजोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पे जो डिजोल्यूशन प्रोसेस है अगर इंडोथर्मिक है, तो इंडोथर्मिक में क्या होता है कि डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है। जैसे यहाँ पे लिखा है डेल्टा SOL का मतलब सॉल्युबिलिटी एच। तो यह है हीट एंथैल्पी ग्रेटर देन, डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पे जीरो से ज़्यादा होगी। डेल्टा एच की वैल्यू जो है डिजोल्यूशन प्रोसेस है इंडोथर्मिक प्रोसेस में डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा एच की वैल्यू जो है जीरो से ज़्यादा होगी। मतलब कि जो डेल्टा सॉल्युबिलिटी एच है इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी।
तो जो इंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, पॉजिटिव होने का मतलब होता है कि हीट जो है एब्जॉर्ब हो रही है। हीट क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है, सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। और अगर एक्सोथर्मिक है रिएक्शन, जो सिस्टम है वो एक्सोथर्मिक है, तो एक्सोथर्मिक में क्या होगा कि डेल्टा सॉल्युबिलिटी एच लेस देन जीरो होगा, मतलब कि डेल्टा एस ओ एल एच इक्वल टू निगेटिव। और इसमें क्या होती है, हीट जो है इवॉल्व होती है, हीट जो है इवॉल्व मतलब कि सिस्टम हीट को रिलीज करता है, बाहर करता है। वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे दिया है कि इफ़ इन ए नियरली सेचुरेटेड सोलूशन, मतलब कि एक नियरली सेचुरेटेड सोलूशन है तो डिजोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। और डिजोल्यूशन प्रोसेस कैसा है? इंडोथर्मिक है। इंडोथर्मिक का मतलब कि डेल्टा एच की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, मतलब कि पॉजिटिव होगी। एस ओ एल लिखा है, डेल्टा एस ओ एल एच मतलब कि एंथैल्पी ऑफ, एस ओ एल का मतलब होता है सेचुरेटेड सोलूशन, एंथैल्पी ऑफ सेचुरेटेड सोलूशन ग्रेटर देन जीरो, सॉल्युबिलिटी नहीं सोलूशन होगा, एस ओ एल का मतलब सोलूशन। तो इस केस में क्या होगा कि द सॉल्युबिलिटी शुड इंक्रीज, द सॉल्युबिलिटी शुड इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर, मतलब कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। एंड इफ इट इज एक्सोथर्मिक, अगर डिजोल्यूशन प्रोसेस मान लीजिए एक्सोथर्मिक है, इसमें डेल्टा एच की वैल्यू लेस देन जीरो होगी, मतलब निगेटिव होगी, तो द सॉल्युबिलिटी शुड डिक्रीज। इस केस में सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। और ये जो है, दीज ट्रेंड आर आल्सो ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली, ये ट्रेंड जो है एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है। इसके बाद हमको देखना है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा। तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है सॉल्युबिलिटी के ऊपर, क्योंकि जो सॉलिड और लिक्विड होते हैं वो हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं। तो वही लिखा है यहाँ पे कि प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, मतलब कि सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। ऐसा क्यों है कि इट इज़ सो बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड आर हाईली इनकम्प्रेसिबल, ये सॉलिड लिक्विड जो है बहुत ही हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इसलिए प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ता है सॉल्युबिलिटी के ऊपर इन केस ऑफ सॉलिड डिजॉल्विंग लिक्विड। एंड प्रैक्टिकली रिमेन अनअफेक्टेड बाई चेंज इन प्रेशर, अगर प्रेशर को हम चेंज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी जो है चेंज नहीं होती है, अनफेक्टेड रहती है। तो इस तरह से हम इस वीडियो में देखे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, जिसमें कि फर्स्ट स्टेप में हम लोग देखे थे कि लाइक डिजॉल्व लाइक, पोलर सॉल्वेंट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्यूट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट, सॉरी पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, मतलब कि लाइक डिजॉल्व लाइक। इसके बाद हम लोग देखे थे डिजोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन, और यही सिमिलर प्रोसेस जो है गैस का लिक्विड में, जब डिजॉल्वमेंट कोई गैस लिक्विड में डिजॉल्व होती है तो होता है। और उसके बाद हम लोग ये देखे थे कि इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है कुछ समय के बाद डिजोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन के बीच में। फिर इसके बाद हम लोग देखे थे इसमें सेचुरेटेड सोलूशन और अनसेचुरेटेड सोलूशन। और इसके बाद हम लोग इसका इफ़ेक्ट देख रहे हैं कि जो सॉल्युबिलिटी के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होगा, प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट होगा। तो इस तरह से हम इस वीडियो में देखे हैं। तो इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम डिस्कस करेंगे, इसके आगे वाला पार्ट जो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हेनरी लॉ है और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिससे काफ़ी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पढ़ेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़
सब्सक्राइब चैनल और प्रेस बेल को आप प्रेस कर सकते हैं, प्रेस बेल, बेल को प्रेस कर लीजिए और लाइक्स कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट्स कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स जो है कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहें।